स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है द डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिस्ट ऑप्शन। ओके, डिस्टिंक्शन बिटवीन फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिस्ट ऑप्शन। फिजिक्स ऑप्शन यानी फिजिकल एड्सॉर्प्शन, केमिस्ट ऑप्शन केमिकल एड्सॉर्प्शन। ओके, सी हियर, फर्स्ट पॉइंट इन फिजिकल एड्सॉर्प्शन और फिजिक्स ऑप्शन, द फोर्स ऑपरेटिंग आर वीक वैन डर वाल फोर्सेस। ओके, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में एक्चुअली वीक वैन डर वाल फोर्स रहता है, करेक्ट ना? तो फोर्स ऑपरेटेड इन द फिजिक्स ऑप्शन आर वीक वैन डर वाल फोर्स। ऑन दी अदर हैंड केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होगा? अ केमिकल बॉन्ड इज प्रेजेंट, ठीक है? सो फोर्स ऑपरेटिंग आर द केमिकल नेचर, दैट इज अ केमिकल बॉन्ड। इट मे बी अ कोवेलेंट और अ आयोनिक बॉन्ड, दैट इज द वन पॉइंट। नेक्स्ट इन फिजिकल एड्सॉर्प्शन, फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। ओके, सेकेंड वन, इट इज़ नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, यानी एक कोई से एक प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म है एंड नंबर ऑफ गैसेस है, तो वो प्लेटफॉर्म यानी एड्सॉर्बेंट ऐसा नहीं कहेगा कि मुझे यही स्पेसिफाइड गैस को एड्सॉर्ब करना है। ऑल द गैसेस आर एड्सॉर्ब्ड ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म, अंडरस्टूड? सो इट इज़ नॉट स्पेसिफाइड इन नेचर, ऑल गैसेस एड्सॉर्ब्ड ऑन ऑल द सॉलिड एड्सॉर्बेंट, अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल, ऑल गैसेज एड्सॉर्ब्ड ऑन द चारकोल, चारकोल के ऊपर सारे गैसेज एड्सॉर्ब हो जाते हैं, अंडरस्टूड? सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट स्पेसिफाइड इन नेचर, फिजिकल एड्सॉर्प्शन। ऑन द अदर हैंड, केमिकल एड्सॉर्प्शन इज स्पेसिफाइड इन नेचर। क्यों? Highly specified and occurs only when chemical bond formation is possible between adsorbent and adsorbate. Understood na? Adsorbent and adsorbate ke beech mein chemical bond possible hoga. Then and then only there is a chance of having chemist option. Otherwise, it won't be possible. For example, adsorption of oxygen on tungsten. Adsorption of oxygen on tungsten. Okay, form tungsten oxide. Adsorption of hydrogen on nickel, etc. These are the examples. So here physics option is not specified, chemistry option is specified in nature. Next in physical adsorption, that is point number 3, the heat of adsorption is low and lies in the range of 20 to 40 kilojoule per mole. Okay, in case of physical adsorption, the heat of adsorption is low and lies in the range of 20 to 40 kilojoule. Jo bhi energy release hoti hai into the atmosphere, that is a low energy released into the atmosphere, about 20 to 40 kilojoule. On the other hand, the heat of adsorption is high and lies in the range of 40 to 200 kilojoule per mole. अंडरस्टूड? 40 टू 200 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पे हीट ऑफ जो भी एनर्जी रिलीज होती है इन टू द एटमोसफेयर इज लिटिल बिट हायर कम्पेयर टू द फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड इट इज़ इन द रेंज ऑफ 40 टू 200 किलो जूल पर मोल। ओके गाइस, नेक्स्ट द फोर्थ पॉइंट इन फिजिकल एड्सॉर्प्शन, ऑकर्स एट लो टेम्परेचर एंड डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, हियर दिस फिजिकल एड्सॉर्प्शन, वी ऑल नो एड्सॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, सो फिजिकल एड्सॉर्प्शन बेसिकली फॉर्म एट लो टेम्परेचर, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर लिया सो इट विल द होल प्रोसेस गोइंग टू बी डिक्रीज। ठीक है, ऑन द अदर हैंड दिस केमिकल एड्सॉर्प्शन फेवर्स एट हाई टेम्परेचर, द एक्सटेंट ऑफ केमिकल एड्सॉर्प्शन इज लोअर एट वेरी हाई टेम्परेचर ड्यू टू द बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, फिजिकल केमिकल एड्सॉर्प्शन हाई टेम्परेचर पे फेवर करेगा। क्यों? क्योंकि यू नो दैट विल गिव्स द चांस टू हैव अ केमिकल बॉन्ड और टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। बट बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया then there might be a chance of a breaking the chemical bond only, and that's why वहाँ पर फिर वो chemical adsorption की possibility कम हो जाएगी। understood? So physical adsorption takes place at very low temperature, understood? And but here chemical adsorption takes place at a high temperature, but if very high temperature is means very high temperature is there, temperature is increased at extreme level, then chemical rate of chemical adsorption is decreases. ठीक है, fifth one for the physical adsorption, example is given here. At low temperature, nitrogen gas is physically adsorbed on iron. At low temperature, nitrogen gas is physically adsorbed on iron. Fe के ऊपर nitrogen gas low temperature पे iron adsorb हो जाएगा. Weak van der Waal force is present between the nitrogen gas and Fe only, so it is called to be the physical adsorption or physics option. On the other hand, nitrogen gas chemically adsorbed on iron at high temperature form a layer of iron nitride. Understood? Form a layer of iron nitride which adsorbed at very high temperature. देखो, if nitrogen and iron, you know, both are come together at low temperature, it shows physical adsorption. Understood? It shows physical adsorption.
जहाँ पे वीक वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। बट जैसे ही टेम्परेचर रेज करेंगे सो केमिकल बॉन्ड विल बी फॉर्म बिटवीन नाइट्रोजन एंड आयन एंड देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड कॉल्ड आयन नाइट्राइड। अंडरस्टूड? सो दैट्स वाई वी कैन से दैट द फोर्थ पॉइंट जो हमारा था उसी के बेसिस पे था कि लो टेम्परेचर पे फेवर करता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड हाई टेम्परेचर पे फेवर करेगा केमिकल एड्सॉर्प्शन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द सिक्स्थ वन फॉर द फिजिकल एड्सॉर्प्शन, इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। केमिकल एड्सॉर्प्शन इज अ फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, डिसॉर्प्शन होगा यहाँ पे, इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। केमिकल एड्सॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्यों? देखो, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में तो वीक विंड वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो अगर टेम्परेचर रेज कर लेंगे लिटिल बिट तो देयर माइट बी अ चांस ऑफ यू नो गोइंग दैट गैस विच इनिशियली एड्सॉर्ब्ड ऑन द एनी सॉलिड सर्फेस इन टू द एटमोसफियर। अगर सॉलिड सर्फेस है या फिर लिक्विड सर्फेस है उसके ऊपर गैस एड्सॉर्ब हुआ, एड्सॉर्प्शन हुआ लो टेम्परेचर पे, दैट इज फिजिकल एड्सॉर्प्शन। लिटिल बिट टेम्परेचर हाई कर लिया तो चांसेस ये है कि गैस फेज जो है बिकॉज ऑफ दैट एक्सोथर्मिक नेचर ऑफ एड्सॉर्प्शन गैस फिर वहाँ से बॉन्ड ब्रेक बॉन्ड ब्रेक कर लेगा, एक्चुअली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम कर लेगा एंड द पार्टिकल कैन गो इन टू द एटमोसफियर, द गैसेस पार्टिकल एक्चुअली कैन गो इन टू द एटमोसफियर। ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। अगेन टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो वापस वही गैस आ जाएंगे सॉलिड प्लेटफॉर्म के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाएंगे, टेम्परेचर थोड़े बहुत इंक्रीज हुआ तो वही गैस वापस चले जाएंगे, तो एड्सॉर्प्शन डिसॉर्प्शन ये प्रोसेस होती रहेगी। ऑन दी अदर हैंड केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होगा कि वंस द एड्सॉर्प्शन केमिकल एड्सॉर्प्शन इज फॉर्म, ओके, डिसॉर्प्शन के बाद स्पेशली वी वोंट गेट द इनिशियल कंपोनेंट यूज फॉर द एड्सॉर्प्शन। अंडरस्टूड? यानी जैसे आयन वाला एग्जांपल हुआ कि आयन और नाइट्रोजन का रिएक्शन होके आयन नाइट्राइड फॉर्म हुआ, तो आयन नाइट्राइड फॉर्म होने के बाद हमें डिसॉर्प्शन तो होगा बट एक्चुअल में उस प्रोसेस में वी वोंट गेट द इनिशियल कंपोनेंट ओवर देयर। डिसॉर्प्शन का रेट भी कम है एक्चुअली यहाँ पे, बट ऑल्सो वी वोंट गेट द इनिशियल सब्सटेंस क्योंकि ऑलरेडी आयन नाइट्राइड फॉर्म हुआ है, तो हमें आयन और नाइट्रोजन ये दो इनिशियल सब्सटेंस वो वापस नहीं मिलेंगे। दैट्स वाई दिस इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। सो फिजिकल एड्सॉर्प्शन रिवर्सिबल प्रोसेस है, केमिकल एड्सॉर्प्शन इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। एंड द लास्ट पॉइंट इज फिजिसॉर्ब्ड लेयर मे बी मल्टी मॉलिकुलर लेयर। इन द फिजिकल एड्सॉर्प्शन द लेयर फॉर्म मे बी अ मल्टी मॉलिकुलर लेयर ऑफ एड्सॉर्ब्ड पार्टिकल अंडर हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, ऐसे पॉसिबिलिटी है, मल्टी लेयर पॉसिबिलिटी है। हियर इन केमिकल एड्सॉर्प्शन केमिसॉर्प्शन फॉर्म मोनोलेयर मॉलिक्यूल ऑफ एड्सॉर्ब्ड पार्टिकल। केमिकल एड्सॉर्प्शन में सिर्फ एक ही लेयर का एड्सॉर्प्शन होगा, ओके, क्यों? क्योंकि देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड नो, एक सॉलिड प्लेटफॉर्म है इमेजिन करो और वहाँ पे गैस आ गया, जैसे हमने एग्जांपल पहले पढ़ा आयन का प्लेटफॉर्म है, आयन मेटल है और उसके ऊपर नाइट्रोजन गैस आया, एक प्लेटफॉर्म एड्सॉर्प्शन हुआ केमिकल एड्सॉर्प्शन और आयन नाइट्राइड एक बार फॉर्म हो गया, आयन नाइट्राइड फॉर्म हो गया एंड दूसरा लेयर आता है नाइट्रोजन गैस का, बट यू नो दैट नाइट्रोजन गैस नॉट गेटिंग द इनफ प्लेटफॉर्म ऑफ अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ आयन। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आयन का होगा तभी तो वो बॉन्ड फॉर्म होगा पॉसिबल, सो दैट्स वाई देयर इज ओनली मोनोलेयर विल बी फॉर्म इन केस ऑफ केमिसॉर्प्शन। बट फिजिकल एड्सॉर्प्शन में मल्टी लेयर, एक के ऊपर दूसरा लेयर दूसरे के ऊपर, बिकॉज वहाँ पे तो वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वो तो पॉसिबल है, वन टू थ्री फोर लेयर के बाद भी विद द सॉलिड सब्सटेंस ओनली। दैट्स वाई फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज इन फिजिकल एड्सॉर्प्शन मल्टी लेयर मॉलिक्यूल विल बी देयर, इन केमिकल एड्सॉर्प्शन ओनली मोनो मॉलिक्यूलर लेयर विल बी देयर। अंडरस्टूड गाइज? सो दीज आर द पॉइंट ऑफ डिफरेंस, चार पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, एटलीस्ट पाँच आपको प्रिपेयर करना है गाइज, क्योंकि दो मार्क के लिए पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ सकता है, एटलीस्ट पाँच आप प्रिपेयर कर लो, यू हैव टू राइट फोर ओनली इन द एग्जाम, बट स्टिल पाँच प्रिपेयर कर लो, इन केस कभी भूल गए तो हम लोग वो लिख सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द फैक्टर अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन सॉलिड। फैक्टर अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन सॉलिड, देर आर 4 to 5 फैक्टर्स। द फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। ओके, फर्स्ट इज नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, दैट इज गैस। सी हियर, इन केस ऑफ नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेंट यानी गैस एंड एड्सॉर्बेंट यानी सॉलिड सर्फेस और लिक्विड सर्फेस। The gas having high critical temperature, generally liquefies easily and can be readily adsorbed. Understood guys? The nature of adsorbate or nature of gas, yani the gas which is easily liquefied,
इजीली लिक्विफाइड गैसेस आर इजीली एब्जॉर्ब्ड, एंड जो गैस है विच आर डिफिकल्ट टू लिक्विफाइड वी कैन से वो लिटिल बिट यू नो स्लो रेट से एब्जॉर्ब्ड होते हैं. अंडरस्टूड गाइस? सो द गैस आर इजीली लिक्विफाइड हैविंग means easily liquefied shows high rate of adsorption, and the gas are a little bit difficult to liquefy shows low rate of adsorption. Example दिया है यहाँ पे SO2 gas, that is sodium oxide, sulfur oxide, Cl2, chlorine, NH3, ammonia are easily liquefied gases and hence are adsorbed to a large extent compared to the gases like nitrogen, oxygen, hydrogen, which are difficult to liquefy. अंडरस्टूड? तो इजीली लिक्विफाइड गैसेस शोज ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कम्पेयर टू द यू नो द गैसेस विच आर डिफिकल्ट टू लिक्विफाइड. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. नाउ द नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट. सेकेंड, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट यानी सल्फेस एरिया, सॉलिड या फिर लिक्विड हो सकते हैं वो, जो भी एड्सॉर्प्शन के लिए प्रोवाइड कर रहा है. ओके, सो नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट. सी हियर, द सब्सटेंस विच प्रोवाइड लार्ज सर्फेस एरिया, सरफेस एरिया एक तो लार्ज होगा, एट द सेम टाइम डू हैव पोरस नेचर. पोरस यानी छोटे छोटे होल्स होंगे ऑन द सरफेस, एड्सॉर्ब एप्रिसिबली वॉल्यूम ऑफ गैसेस. अंडरस्टूड? द सब्सटेंस द नेचर ऑफ एड्सॉर्बन इन एड्सॉर्बेंट. यहाँ पे एक्चुअली सरफेस एरिया से ऊपर, सरफेस एरिया से ज़्यादा हमें फोकस करना है ऑन द पोरस नेचर. कंसिडर करो दो प्लेटफॉर्म है. ओके, अब दो प्लेटफॉर्म, एक रफ प्लेटफॉर्म है यानी पोर्स है उसमें, और एक कंप्लीट दिस व्हाट वी कैन से एक शाइनी प्लेटफॉर्म है, एक स्मूथ प्लेटफॉर्म है. अंडरस्टूड? अब गैस पार्टिकल को एड्सॉर्ब होके यू नो सेटल होने के लिए सम सॉर्ट ऑफ अ एरिया विल बी रिक्वायर्ड ऑन दैट प्लेटफॉर्म. सो जो भी रफ प्लेटफॉर्म होगा या फिर पोरस प्लेटफॉर्म होगा, यानी जहाँ पे छोटे छोटे होल्स होंगे जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर, वहाँ पे रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन विल बी मोर. अंडरस्टूड? और जो स्मूथ है, जहाँ पे यू नो गैस डो नॉट गेट अ स्पेस टू सेटल ओवर देयर, सो वहाँ पे रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन विल बी लेस. ठीक है, दो टेबल है, एक रफ एरिया है, पोरस एरिया है, और दूसरा है जहाँ पे स्मूथ एरिया है. सो बट ऑब्वियस दैट द पोरस नेचर ऑफ अ सब्सटेंस शोज ग्रेटर रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन कम्पेयर टू द स्मूथ एड्सॉर्बेंट. अंडरस्टूड गाइज? दिस इज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट. एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है सिलिका जेल एंड चारकोल. सिलिका जेल, चारकोल हैविंग द एरिया वेयर द पोर्स आर देयर ओनली. अंडरस्टूड? सो दे शोज ग्रेटर रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन कम्पेयर टू द अदर सब्सटेंस. सेकेंड वन, सरफेस एरिया ऑफ द एड्सॉर्बेंट. हमने एक्चुअली नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, सरफेस एरिया डिस्कस कर ही लिया, बट अगेन द सेपरेट टॉपिक इज गिवन, दैट इज सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट. यहाँ पे एड्सॉर्बेंट का जितना सरफेस एरिया ज़्यादा, बट ऑब्वियस रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन ज़्यादा. एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्बेंट का सर्फेस एरिया कम तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन कम है. अंडरस्टूड? समझ लो हियर. कंसिडर करो एक बड़ा सा टेबल है, दैट इज़ वन एड्सॉर्बेंट एरिया, एंड सेकेंड वन एक आपके पास मे बी आपका कंपोस्ट बॉक्स होगा, उतना वाला एक, उतना छोटा एक प्लेटफॉर्म है. अंडरस्टूड? या फिर आपके मोबाइल फ़ोन है, उस तरह उतना प्लेटफॉर्म है. तो मोबाइल फ़ोन वाला जो सरफेस एरिया है वो डेफिनेटली कम है कम्पेयर टू द टेबल. अब स्टडी टेबल समझ लो आप, तो स्टडी टेबल के ऊपर रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन विल बी मोर कम्पेयर टू द मोबाइल फ़ोन, बिकॉज मोबाइल फ़ोन वाला जो एरिया है प्रोवाइडिंग लेस सरफेस एरिया कम्पेयर टू द एरिया हैविंग बाय द स्टडी टेबल. अंडरस्टूड? सो हियर सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्प्शन इज द सरफेस फेनोमेनम, हेंस द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट. अंडरस्टूड? एंड जनरली फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस जो कि पाउडर फॉर्म में है, अच्छे खासे रफ सर्फेस होगा, कोलाइडल सर्फेसेज आर गुड एड्सॉर्बेंट एज दे प्रोवाइड लार्ज सर्फेस एरिया फॉर द गिवन मास ऑफ अ गैस. अंडरस्टूड? सो जो फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस है, रफ एरिया वाले है, रफ सर्फेस वाले, इवन कोलाइडल सब्सटेंस प्रोवाइडिंग लार्ज सर्फेस एरिया, बट ऑब्वियस रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन विल बी मोर. द फोर्थ वन इज टेम्परेचर. गाइज, एड्सॉर्प्शन क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस. सो बट ऑब्वियस एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो द एड्सॉर्प्शन फेवर्स एट लोअर टेम्परेचर, एंड द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन विल बी लोअर एट हाई टेम्परेचर. ओके, अकॉर्डिंग टू ली कैटलिस्ट प्रिंसिपल. सी, ली कैटलिस्ट प्रिंसिपल ये टॉपिक नया है आपके लिए, मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ. ली कैटलिस्ट प्रिंसिपल एक प्रिंसिपल है विच सेज दैट द इक्विलिब्रियम कंडीशन विल बी डिस्टर्ब्ड, ओके, और शिफ्ट इट्स डायरेक्शन व्हेन सर्टन पैरामीटर्स विल बी इंक्रीज्ड.
जैसे ये शायद स्टेटमेंट कहा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा क्योंकि इट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ली कैटलिस प्रिंसिपल। अगर कोई भी पैरामीटर कम ज़्यादा हो जाएगा तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन या फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन शिफ्ट हो जा सकती है। अंडरस्टूड? यानी समझ लो यहाँ पे टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, तो फिर रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि समझ लो एक स्पेसिफिक सॉरी कंसिडर कि वी आर हैविंग अ प्लेटफॉर्म वेयर रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज गोइंग ऑन एट स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड गुड रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज देयर एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। और जहाँ पे हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा, एड्सॉर्प्शन विल बी लेसर, डिसॉर्प्शन प्रोसेस होगी। वापस हमने अगर टेम्परेचर कम कर दिया तो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस हो जाएगी। यानी अगर टेम्परेचर को हम लोग कम ज़्यादा करते रहे तो एड्सॉर्प्शन डिसॉर्प्शन डिसॉर्प्शन एड्सॉर्प्शन ये प्रोसेस होती रहेगी। ओके, दैट इज़ एक्सप्लेन्स बाय द ली कैटलिस प्रिंसिपल। हाँ, सो बच्चों इस चैप्टर में तो आपको सिर्फ प्रिंसिपल का वो जो नेम है वही लिखना है। विल इन सम अदर चैप्टर लाइक केमिकल इक्विलिब्रियम, एक्चुअली चैप्टर में ये ली कैटलिस प्रिंसिपल है, सो विल सी इन डिटेल ओवर देयर ओनली। क्योंकि अगर ये एक्सप्लेन करने जाए तो कम से कम 15-20 मिनट्स लग जाएंगे मुझे। सो टेम्परेचर एक इतना ही याद रखना है कि एट हायर टेम्परेचर रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज लो एंड एट लो टेम्परेचर रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज हाई। एंड द लास्ट वन इज द प्रेशर ऑफ अ गैस एट एनी टेम्परेचर, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। ठीक है, एक कोई भी टेम्परेचर हो अगर प्रेशर हायर है तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन विल बी मोर। अंडरस्टूड? द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ अ गैस ओवर हियर। फॉर द प्रेशर एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एंड फॉर टेम्परेचर जो फोर्थ पॉइंट है एड्सॉर्प्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अंडरस्टूड गाइज? तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। सो दीज आर दी फाइव फैक्टर, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, सर्फेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट, फोर्थ इज टेम्परेचर एंड द लास्ट वन फिफ्थ इज प्रेशर ऑफ द गैस। दीज आर दी फाइव फैक्टर विच अफेक्ट ऑन रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है, थैंक यू।